हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे 25 इंपॉर्टेंट पजल्स का सेट नंबर 24। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बने। ओके सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने बोला कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस इतना यूनिट्स, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पर्सन इज एन इंटीरियर डिफरेंट एंड नॉट मोर देन 12 यूनिट्स। उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस सर्कुलर टेबल का जो रेडियस दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 63 2 बाई 3, ठीक है। और उसने क्या बोला हमसे कि ऑल ऑफ देम, और ये सब के सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, फाइन, और अलग अलग है, और 12 से कम है। उसने हमें ये चीज़ और बताई है, फाइन। उसके बाद उसने ये वाला नोट दिया है क्या कि डिस्टेंस मेंशन बिटवीन एनी टू पर्सन इन द फॉलोइंग कंडीशन इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, ए और बी के बीच में, अगर ए और बी के बीच में कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना 30 दिया हुआ है, तो वो डिस्टेंस ये होगा शॉर्टेस्ट, ये डिस्टेंस आपके पास नहीं दिया होगा। उसने हमें ये पॉइंट बताया यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई कि समझ में आया ना। अब इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी पहले बना लेता हूँ, ठीक है, 1 एंड 2, क्योंकि हमें पता नहीं है ना नंबर ऑफ पर्सन किसने है इसमें, तो बस दो सर्कल बना लीजिए अभी, उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशंस लिखते हैं। उसने कंडीशन हमें क्या बताई है कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड आई इज़ 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, ओके। जो डिस्टेंस है किसके बीच में, सी और आई के बीच में, वो कितना है, वो 1/3 है। जो डिस्टेंस है किसके बीच में, एच और डी के बीच में, ठीक। उसके बाद ई इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए। उसने क्या बोला कि ई कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जो कि 3 प्लेसेस अवे है कहाँ से, ए से, ठीक है। 3 प्लेसेस अवे मतलब 2 पर्सन हो गए इनके बीच में, फाइन। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर हम मान लेते हैं कि ई आपके पास यहाँ पर है, फाइन, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ये कहाँ पर बैठा हुआ है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब आपका एफ होगा यहाँ पर, ई होगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं इसकी, ई यहाँ पर, एफ है आपके पास यहाँ पर, और उसने क्या बोला कि एफ कहाँ पर है, एफ 3 प्लेसेस अवे है किससे, ए से। इसका मतलब आपके पास ए कहाँ हो सकता है, या तो ए आपका यहाँ हो सकता है, या फिर ए आपका कहाँ हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी अगर बनाता हूँ तो 1 2 ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला हमसे कि ए एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ओके। ए और जी क्या है, वो इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। तो अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके पास जी आएगा, फाइन। इस पॉसिबिलिटी में आपके पास दो कंडीशंस बन जाएगी, एक जी आपका यहाँ हो सकता है, या फिर अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम बनाते हैं, ई 1 2 देन एफ देन 1 2 यहाँ पर ए, और उसका जस्ट नेबर कौन है, जी है, ठीक है। और क्या बोला उसने हमसे, एंड जी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आई, और जी 2 प्लेसेस अवे है आई से। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो आई आपका यहाँ पर होगा, और इसके हिसाब से आपके पास आई कहाँ पर होगा, एक आई आपका यहाँ पर हो सकता है, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी आपका, और यहाँ पर अगर हम देखें तो आई आपका यहाँ पर बनेगा, फाइन। अगर मैं इसी की एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, ये आपके पास ई है, ठीक है, 1 2 यहाँ पर एफ, फिर आपका 1 और 2 छोड़कर ये हो जाएगा आपके पास ए, फिर जी, फिर यहाँ पर छोड़कर आपके पास आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला हमसे कि डी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, डी कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डी आएगा यहाँ पर, इस कंडीशन के हिसाब से डी आएगा यहाँ पर, और इस कंडीशन के हिसाब से डी आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड एच, उसने बोला कि जो नंबर ऑफ पर्सन है किसके बीच में, आई और एच के बीच में, वेन काउंटेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ आई, अगर हम राइट साइड ऑफ आई से काउंट करते हैं, इन दैट केस वो इक्वल है किसके, जितने नंबर ऑफ पर्सन ई और सी के बीच में, अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं ई से, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर हम आई से काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल है किसके, जितने नंबर ऑफ पर्सन
ई और सी के बीच में, अगर हम ई से काउंट करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज 11 यूनिट्स। ओके, सी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 11 यूनिट्स है, फाइन। विच इज़ मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी, जो कि ज़्यादा है किससे, जो डिस्टेंस है एफ और बी के बीच में, ठीक है, एंड इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। और ये इक्वल है किसके बीच में, बी और ई के बीच में, मतलब कि बी और ई के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो 11 ही होगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ। ओके, एफ और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, एफ और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है किससे, जितना डिस्टेंस सी और एच के बीच में है, ठीक है। मतलब अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, 2x होगा। उसके बाद एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, एच कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पास सेकेंड टू द राइट ऑफ ए एच हो जाएगा यहाँ पर, इसके हिसाब से एच हो जाएगा यहाँ पर, फाइन, इसके हिसाब से एच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी इज 4 यूनिट्स। ओके, ई और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। ओके, 4 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, फाइन। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी इज नॉट मोर देन 12। ओके, ए और जी के बीच में इज नॉट इक्वल टू, ओके, ए और जी के बीच में डिस्टेंस है वो 12 नहीं है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच, और ए और जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है किससे, जी और एच से, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी इज नॉट द हाइएस्ट। ओके, और एच और डी के बीच में डिस्टेंस है वो हाइएस्ट नहीं है, उसने हमें ये चीज़ और बोली, फाइन। सो यहाँ तक हमारे पास क्या, सारी कंडीशंस हमने लिख ली, ठीक है, और हमने तीन पॉसिबिलिटी भी बना ली है साथ साथ। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इस वाली पॉसिबिलिटी को रब कर देता हूँ जिससे कि मैं बाकी चीज़ें यहाँ पर लिख पाऊँ। देखिए अगर हम बात करें किसकी, उसने हमसे एक पॉइंट बोला था कि आई और एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही नंबर ऑफ पर्सन ई और सी के बीच में, ठीक है। अगर हम आई से राइट साइड से जाते हैं और ई से राइट साइड से जाते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, आई से राइट साइड से एस तक कितने, 2 पर्सन है, इसका मतलब ई और सी के बीच में भी कितने होंगे, 2 पर्सन होंगे। तो आप कैसे, अगर ई यहाँ पर है तो सी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से। और इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो ई और सॉरी आई और एच क्या दोनों साथ में, इसका मतलब ई और सी दोनों क्या होंगे, साथ में होंगे, ठीक है। और अगर इसमें बात करूँ तो आपके पास देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन है अभी हमें नहीं पता है, फाइन, तो इसमें हम अभी काउंट नहीं कर सकते हैं। बट मैं अगर बात करूं आपसे इस वाली कंडीशन की, तो एक चीज़ को समझिएगा, सी और आई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 1/3 है जितना डिस्टेंस आपका एच और डी के बीच में, ठीक। और हम एक चीज़ और जानते हैं क्या, कि आपके पास रेडियस कितना दिया होता है इसने, 63/2π। तो इसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस हो सकता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो आपके पास होगा, मतलब इसका अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकालूंगा तो 2π r 63/2π, मतलब कितना होगा, 63 होगा ना, ठीक है। और हम एक और चीज़ जानते हैं क्या, कि आपके पास जो डिस्टेंसेज हैं वो डिफरेंट हैं और कोई भी 12 से ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक ही हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सी और आई की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, आपके पास सी और आई और एच और डी अगर मैं बात करूँ तो सी और आई के बीच में डिस्टेंस आपका गाइस कितना, 1 हो सकता है। तो एच और डी के बीच में आपके डिस्टेंस कितना होगा, उसका थ्राइस मतलब 3 times, ये कितना, 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6, 3, 9, 4, 12। यही तो आपके पास चार पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, इजंट इट। अब एक चीज़ को समझिएगा, आपके पास डिस्टेंस अगर 1 है तो सी और आई के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, अगर सी और आई के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 1 है तो इनके बीच में एक भी पर्सन नहीं होगा, इतना में कन्फर्म है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 0 होगा, फाइन। इसमें अगर बात करते हैं 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज कम बन सकती है, या तो दोनों के बीच में कितना हो, 1, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंट है, तो इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ पर्सन सी और आई के बीच में कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं, 1 पर्सन हो सकता है, मतलब इसकी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, 2 और 1 या फिर 1 और 2, तो इसमें कितना हो सकता है आपके पास, 1 पर्सन हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करूं तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन आपके हो सकते हैं, या तो आपके पास क्या बन सकता है, 1, 3 बन सकता है, 3, 1 बन सकता है, इससे मैक्सिमम तो कोई बनेगा नहीं, मतलब कि यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ पर्सन कितने आ सकते हैं, सिर्फ 1। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि सी और आई के बीच में या तो कोई भी पर्सन नहीं होगा या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 पर्सन हो सकता है,
ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें जैसे कि इस कंडीशन में, तो ये कंडीशन आपके पास सही रहेगी, लेकिन ये कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए ये क्या हो जाएगी, आपके पास पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। इस पॉसिबिलिटी में सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास डी यहाँ पर है, फाइन। उसने हमसे क्या बोला था कि आई के अगर मैं राइट साइड से देखूँ, अब आई के राइट साइड से अगर आप देखेंगे ना, तो एच तक पहुँचने में आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ई के राइट से अगर मैं जाऊंगा तो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 8। यहाँ से अगर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि आपके पास सी यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर मैं सी को एक यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, फिर से आपके पास आई और एच के बीच में नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी वर्क कर रही है, कौन सी वाली, ये पॉसिबिलिटी। तो इसी पॉसिबिलिटी को हम आगे चेक करते हैं, देखिए। ओके सो अगर मैं इस पॉसिबिलिटी वर्क करूँ तो देखिए आपके सी और आई के बीच में अगर हम देखें कोई भी पर्सन नहीं है, तो मतलब क्या इनके बीच में फोर हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोर तो आपके पास डी और ई के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इनके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 2 3, इन्हीं तीन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपके पास सी और आई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो सी और ए के बीच में टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, 11 है। इसका मतलब बाकी का कितना होगा, ये 10 होगा, ठीक। और उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास जो डिस्टेंस है किसके बीच में, ई और सॉरी एफ और बी के बीच में, वो लेस है किससे, 11 से। इसका मतलब कि आपके पास बी कहाँ पर आ सकता है, बी सिर्फ यहीं पर आएगा। अगर बी यहाँ पर आएगा तो उसने हमसे एक और पॉइंट बोला था क्या, कि एफ और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो ट्वाइस है किससे, जितना डिस्टेंस सी और एच के बीच में। अगर मैं यहाँ सी और एफ है ये आपके पास, ठीक है, सी और एफ के बीच में अगर मैं यहाँ से देखूँ, आपके पास ये डिस्टेंस जितना भी होगा उसका ट्वाइस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। मतलब अगर ये आपके पास एक्स है तो ये कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इनकी पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है आपके पास, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके पास ट्वाइस है ना, तो 1 2 2 होगा तो 3 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस 6, 4 होगा तो 8, 5 होगा तो 10। अब देखिए ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, 4 वाला इंक्लूड नहीं हो सकता, 4 वाला इंक्लूड नहीं हो सकता। तो हमें इन तीन पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस पॉसिबिलिटी में 10 आपका यूज़ हो चुका है तो ये भी आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, 1 आपका यूज़ हो चुका है तो ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचेगी क्या, ये आपके पास 3 हो और ये आपके पास कितना हो, 6 हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसने हमसे एक पॉइंट बोला था क्या, कि जितना डिस्टेंस सी और ए के बीच में है उतना ही डिस्टेंस ई और बी के बीच में, तो ई और बी के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और हम एक चीज़ जानते हैं क्या, अगर सी और आई के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, एच और डी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। लेकिन वो 3 हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्या, 3 यहाँ पर यूज़ हो चुका है। और अगर मैं इसके बीच में एक पर्सन को भी रख देता हूँ, इन दैट केस आपके पास 1 और 2 बनता, 1 भी आपका ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ठीक है। मतलब आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 और 6 को पुट करके देखते हैं। तब देखिए अगर मैं इन केस सी और आई के बीच में डिस्टेंस रखता हूँ 2, ठीक है, तो आपके पास आई और ए के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना, 11 है। फिर अगर मैं बी को पुट करना चाहूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ आपके पास यहाँ पर ये डिस्टेंस एक्स और 2x है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, देखिए ये 4 वाला तो होगा नहीं आपका, है ना, हम ऑलरेडी जानते हैं। 2 वाला भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 यहाँ पर आपका ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो आपके पास देखिए सी और आई के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, 2 है। इसका मतलब एच और डी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा। अभी 6 कैसे बन सकता है, या तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 ही यूज़ रहो, या फिर हम क्या यूज़ करें, 2 और 4 यूज़ करें, या फिर 5 और 1 यूज़ करें, यही हम यूज़ कर सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप 2 और 4 तो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पर यूज़ हो गया, 4 यहाँ पर यूज़ हो गया। आपके पास या तो हम डायरेक्टली 6 यूज़ करेंगे या फिर 5 और 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं 6 यूज़ करता हूँ, इन दैट केस आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, 5 और 10 यूज़ करेंगे, और कुछ यूज़ कर नहीं सकते। मतलब कि यहाँ पर आपके पास 5, यहाँ पर आपके पास कितना, 10। किस केस में, जब इनके पीछे टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, 6 मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ आपके पास, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि टोटल आपके पास जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल टू किसके, 63 के। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ, देखिए आपके पास ये कितना हो गया, 10, सर्कमफेरेंस को ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10, ये 21 21, और ये आपके पास हो गया कितना, 31 31, और 5 और 36 36, और आपके पास 11 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 47 बना। आपके पास डिस्टेंस बचा कितना, 63 है, 47 अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कितना डिस्टेंस बचा, 16 डिस्टेंस बचा। अब आपके पास नंबर्स कितने रह गए, जो अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूँ तो वो कितने रह गए, देखिए आपके पास या तो 1 रह गया, ठीक है, 2 यहाँ पर यूज़ हो चुका है, फाइन, 3 रह गया, 4 यहाँ पर यूज़ हो चुका है, 5 यूज़ हो चुका है,
सिक्स यूज़ हो चुका है, सेवन रह गया है, एट यहाँ पर रह गया है, नाइन यूज़ हो चुका है, टेन यूज़ हो चुका है, इलेवन यूज़ हो चुका है, ट्वेल्व। अगर मैं बात करूँ सिक्सटीन, आपका यहाँ पर किसी को जोड़ने से, किसी दो को जोड़ने से सिक्सटीन बन रहा है क्या? क्योंकि आपके पास एक ये प्लेस खाली है और एक ये प्लेस खाली है, इजेंट इट? अगर मैं देखूँ तो किसी को जोड़ने से भी आपका सिक्सटीन नहीं बना है ना, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मतलब क्या, आपके पास यहाँ पर फाइव नहीं आ सकता और यहाँ पर टेन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर थ्री और सिक्स को पुट करता हूँ, तब देखिए अगर मैं यहाँ पर थ्री को यूज़ करता हूँ, यहाँ पर सिक्स को यूज़ करता हूँ, इन दैट केस हम डायरेक्टली सिक्स नहीं यूज़ कर सकते। हम क्या यूज़ करेंगे, फाइव और वन यूज़ करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पर हम एक पर्सन को और बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर फाइव या फिर वन, यहाँ पर फाइव या फिर वन, ठीक है। अब फिर से अगर मैं बात करूँ, आपके पास टोटल कितना हो गया, देखिए यहाँ पर आपके पास सिक्स हो गया, ठीक है, सिक्स और एट टेन हो गया, टेन और इलेवन कितना हो गया आपके पास, ट्वेंटी वन हो गया, ट्वेंटी वन और अगर हम नाइन को ऐड करेंगे तो थर्टी, थर्टी एंड देन इलेवन, फोर्टी वन हो गया। आपके पास डिस्टेंस बचा कितना, ट्वेंटी टू बचा। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ डिस्टेंसेज, आपके पास क्या बचे हैं, देखिए वन आपका यहाँ पर यूज़ हो गया, कहीं टू यूज़ हो गया है, थ्री यूज़ हो गया है, ठीक है, फोर और फाइव आपके, फोर यूज़ हो चुका है, सॉरी फाइव, ठीक है, सिक्स यूज हो चुका है, सेवन, एट रह गया है, नाइन यूज़ हो चुका है, ठीक है, टेन रह गया है और यहाँ पर कितना आपके पास, ट्वेल्व रह गया। तो अगर मैं देखूँ आपके पास टोटल डिस्टेंस ये है, आपको लाना कितना है, ट्वेंटी टू लाना है। आपके पास दो क्या डिस्टेंसेज बचे हैं, तो किसी दो को जोड़ने से आपके पास ट्वेंटी टू कैसे आ सकता है? अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के ऐड करेंगे तब बन सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को देखता हूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि ए और जी, इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है किससे, जी और एच से। तो अगर मैं इसको पुट करना चाहूँगा तो ए और जी आपके पास कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। लेकिन उसने मना करा हुआ है क्या, ए और जी आपके पास ट्वेल्व नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टू और सिक्स, ये भी कंडीशन गलत हो गई। प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो खुद से एक बार ट्राई करिए, बिकॉज जो मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ वो अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाऊँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सो आप कोशिश करिए खुद से पहले सॉल्व करने की, जितना भी सॉल्व हो जाए उतना बेटर है, उसके बाद फिर इसको करिएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, तब देखिए। ओके सो अगर मैं आप चेक करता हूँ किसको, थ्री और नाइन को, इन दैट केस देखिए सी और आई के बीच में डिस्टेंस कितना, थ्री, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एट, और एच और डी के बीच में डिस्टेंस आपको कितना रखना है, नाइन रखना है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें किसकी, आपके पास यहाँ पर ये एक्स है, ये कितना है आपके पास, टू एक्स है, तो ये क्या क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए आपके पास टू फोर नहीं हो पाएगा, ठीक है, फोर एट नहीं हो पाएगा, और उसके बाद थ्री वाला नहीं हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर मैं वन और टू को लेता हूँ, यहाँ पर वन लेता हूँ, यहाँ पर टू लेता हूँ, इन दैट केस आपके पास ये डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा, नाइन बनेगा। फाइन, अभी नाइन कैसे बन सकता है, या तो हम अकेले नाइन यूज़ करें, या फिर क्या यूज़ करें, जो हमारे पास बचे हुए डिस्टेंसेज हैं, बचे हुए डिस्टेंसेज कितने, वन टू थ्री फोर यहाँ पर यूज़ हो चुका है, फाइव बचा हुआ है, ठीक है, सिक्स बचा हुआ है, सेवन बचा हुआ है, एट यूज़ हो चुका है, नाइन आपके पास बचा हुआ है। आप इन्हीं सब को यूज़ करके नाइन बना पाएंगे ना, इजंट इट? अगर मैं यहाँ पर देखूँ इन तीनों को यूज़ करके तो हम नाइन किसी तरीके से बना नहीं सकते, तो हमें क्या, डायरेक्टली नाइन लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली नाइन लेते हैं, ठीक है, अब देखिए आपके टोटल ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, इसको अगर हम ऐड करेंगे थर्टीन, थर्टीन एंड थ्री आपके पास कितना हो गया सिक्सटीन, सिक्सटीन एंड थ्री आपके पास कितना हो गया नाइनटीन, नाइनटीन अगर मैं इसको ऐड करूँगा ट्वेंटी सेवन, फाइन। फिर अगर मैं ई और बी के बीच में डिस्टेंस देखता हूँ तो इलेवन, मतलब इलेवन ये कितना हो गया, एट, थर्टी एट हो गया। अब आपके पास हमारे पास जो डिस्टेंस रह गया है वो कितना रह गया है, सिक्सटी थ्री कितना आपका टोटल डिस्टेंस, आपको थर्टी एट यहाँ पर मिल रहा है, मतलब क्या आपके पास फाइव और टू, ट्वेंटी फाइव। आपके पास जो रिमेनिंग डिस्टेंसेज हैं वो डिस्टेंसेज कौन कौन से हैं, एक तो देखिए ये तीन डिस्टेंसेज है, इसके अलावा अगर हम बात करें नाइन यूज़ हो चुका, टेन रह गया है, इलेवन यूज़ हो चुका, ट्वेल्व। आप किसी दो को यूज़ करके क्या ट्वेंटी फाइव बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये दो प्लेसेस तो रह गई है ना, नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तब देखिए ये आपके पास थ्री है, ये आपके पास कितना है, ये एट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास फाइव, यहाँ पर आपके पास कितना, टेन, ठीक है। तो फिर से अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको नाइन रखना है। आपके पास नंबर्स कौन कौन से रह गए हैं, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो यूज़ हो गया आपके पास, आपके पास वन रह गया है, टू रह गया है, थ्री यूज़ हो चुका है, फोर यूज़ हो चुका है, फाइव यूज़ हो चुका है, सिक्स रह गया है, सेवन की अगर हम बात करें तो सेवन आपके पास, हाँ सेवन रह गया है, एट यूज़ हो चुका है, नाइन अभी रह गया है आपके पास, ठीक है। तो हमें बनाना कितना है, नाइन बनाना है। आपके पास दो किसी को जोड़कर नाइन कैसे बन सकता है, या तो हम क्या यूज़ करें, सिर्फ नाइन यूज़ करें, या फिर हम क्या यूज़ करें, टू और सेवन यूज़ करें। अगर इन केस हम यहाँ पर टू और सेवन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये देखिए टोटल आपके पास सरकमफेरेंस कितना हो गया, नाइन यहाँ पर, इसको ऐड करेंगे तो ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर, फिफ्टी बचा कितना आपके पास, थर्टीन बचा, ठीक है। अगर आपके पास थर्टीन बचा हुआ है, आपके पास जो नंबर्स बचे हुए हैं वो कौन कौन से बचे हुए हैं, आपके पास देखिए वन बचा हुआ है,
ठीक है, टू यहाँ पर यूज़ हो गया, थ्री यूज़ हो चुका, फोर यूज़ हो चुका, फाइव यूज़ हो चुका है, सिक्स रह गया, सेवन यहाँ पर यूज़ हो चुका, एट यूज़ हो चुका है, नाइन रह गया, ठीक है, टेन यूज़ हो चुका है, इलेवन यूज़ हो चुका है, ट्वेल्व। आपके पास यहाँ पर किसी दो को जोड़कर क्या आप थर्टीन बना सकते हैं? सिर्फ इन दोनों को जोड़कर हम थर्टीन बना सकते हैं, लेकिन फिर से वही चीज़, आपके पास अगर हम देखें तो जी और ए के बीच में ट्वेल्व आ नहीं सकता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपके पास टू और सेवन नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नाइन होगा। तब देखिए, अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, नाइन यूज़ करते हैं, इन दैट केस आपके पास नंबर्स क्या बचे हैं, वन बचा है, ठीक है, टू बचा हुआ है, थ्री यूज़ हो चुका है, फोर यूज़ हो चुका है, फाइव यूज़ हो चुका है, सिक्स, सेवन, एट यूज़ हो चुका है, नाइन यूज़ हो चुका है, टेन, आपके पास ट्वेल्व बचा हुआ है। फाइन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मुझे बनाना कितना, थर्टीन बनाना है इन दोनों को जोड़कर, तो थर्टीन कैसे बन सकता है आपके पास? वन और ट्वेल्व को आप ले नहीं पाएंगे, आप किसको लेंगे, सिर्फ इन दोनों को। अगर इन दोनों को लूँगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, जी और ए के डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सेवन यहाँ पर आएगा, सिक्स यहाँ पर आएगा, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। इस पजल को आपने आई होप खुद से पहले ट्राई करा होगा, उसके बाद देखा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।